मैं राजेश सिंह, सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं और अपनी वैल्यूएबल कमेंट दे रहे हैं। और आज जिस टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूं तो वह है कि NVR को फर्स्ट टाइम लॉगिन करते समय ऑनलाइन पासवर्ड कैसे सेट करते हैं। आज की डेट में जो भी NVR या DVRs आ रहे हैं उनको लैपटॉप पे लॉगिन करते समय उनमें कोई डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होता, उसमें आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। और वो कैसे सेट होता है अभी मैं इसका आपको प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर किया है वो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो के माध्यम से अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो अब इसका हम देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो। तो ये एक वाईफाई बेस्ड NVR है, अब इसको कैसे ओपन करते हैं और इसमें डिफॉल्ट पासवर्ड कैसे सेट करते हैं एडमिन पासवर्ड, उसको हम देखते हैं उसका प्रैक्टिकल डेमो। तो सबसे पहले हम इसको इसका वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ये जैसे हमने NVR का वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, अब इसको हम ओपन करते हैं। तो इसकी जो डिफॉल्ट IP है वो 192.168.0.1 है। ये जैसे ही हम लॉगिन करते हैं यहां पर आपको एक एडमिन पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। अभी जितने भी NVR आ रहे हैं सभी में यही फीचर है। तो इसमें अल्फा न्यूमेरिक आपको कोई भी एक पासवर्ड सेट करना होगा, जैसा कि इसमें मैं सेट कर रहा हूं पासवर्ड admin@123। तो इस तरह आप फर्स्ट टाइम किसी भी NVR को लॉगिन कर पाएंगे और उसका पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट में यूज होने वाला NVR है और ये काफी एडवांस फीचर के साथ है। इसमें GSM और वाईफाई फीचर भी हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा अभी एक दूसरा वीडियो बनाकर। जब आप NVR को लॉगिन कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको टाइम सिंक करना पड़ता है। उसके लिए जो आपको टाइम जोन है वो आपको हमेशा GMT 5:30 ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा टाइम जोन, तो डिफॉल्ट टाइम जोन आपका ये आ जाएगा। तो ये टाइम सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वायरलेस ऑप्शन में वाईफाई का आप यूजर नेम पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और इसी वाईफाई के से आप NVR को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें GSM सिम लगी होती है, जो GSM सिम होगी उसमें आपका APN डायल नंबर वगैरह डालकर इसको सिस्टम को ऑनलाइन किया जा सकता है। और उसके बाद जब आप APN नंबर डायल नंबर आप डाल देंगे तो IP एड्रेस वगैरह यहाँ पर आपका डिटेक्ट हो जाएगा और उसके बाद ये सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये बेसिक वीडियो था जिसमें मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि कैसे लॉग इन किया जाए फर्स्ट टाइम किसी भी OEM NVR हो, ADVR हो या कोई भी कंपनी का, एक विजन का हो, CP+ का हो, NVR या DVR को फर्स्ट टाइम आज की डेट में आपको पासवर्ड सेट करना पड़ता है। तो इससे इस तरह से आप फर्स्ट टाइम DVR और NVR को लॉगिन कर सकते हैं। धन्यवाद।